for the defence ministry, two special complexes have now been inaugurated by prime minister narendra modi. this is at uh, the national capital's heart in delhi. currently, the inauguration ceremony is the on ministry prime minister modi being briefed the about the new modernised building for the defence ministry employees. मंत्री सॉरी um, <laughs> मंत्री जी गए पहले उन्हीं का नाम ध्यान रहा <laughs> हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री हरदीप सिंह जी पुरी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री आई जी भट्ट एमओएस डिफेंस श्री कौशल किशोर जी एमओस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और मीडिया के मित्रगण देवियों एवं सज्जनों सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता उनकी काल्पनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति का यह परिणाम रहा है कि आज डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का यहां पर उद्घाटन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय कार्य हुआ है जो कि आपके मार्गदर्शन में हुआ है सेंट्रल विस्टा की इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है इसको यह दर्शाता है न्यू दिल्ली के जिस हिस्से में हम सेंट्रल विस्टा जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं इसका निर्माण आज से लगभग एक शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट हम देखते हैं वे दरअसल जैसा पुरी जी ने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे अस्तबल थे और वह भी पूरी तरह से अस्थाई थे परंतु कालांतर में यह अस्थाई व्यवस्था धीरे धीरे अस्थाई होती चली गई वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर बदलाव करते रहते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया यथा स्थितिवाद का जो रवैया है उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरास्तों में से एक है और इन वैरको Officials For 7,000 officials to to built on a budget of 775 crore rupees, Defence Ministry complexes being inaugurated by Prime Minister Modi. To Leaving to you with to these to visuals to heading to into a break. To Don't to go anywhere. Lots more lined up on the other side. <laughs>